आज सीखेंगे कि किसी भी पंप की एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी हमको पंप हाइड्रोलिक पावर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पंप हाइड्रोलिक पावर, इसे पीएच से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है पीएच फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड इनटू टोटल हेड इनटू 9.81 इनटू वाटर डेंसिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सपोज कोई पंप है, ठीक है, जिस जो 20 किलोवाट का पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और वो डिलीवर कर रहा है 72 मीटर क्यूब पर आवर से वाटर को। ठीक है, और इसकी जो हाइट है 55 मीटर। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो डिलीवर पॉइंट कितना है 72। ठीक है, इसको पर हावर में है तो इसको चेंज कर लीजिए सेकेंड, ठीक है, 36,000। ठीक है, टोटल हेड कितना है 55 मीटर, ठीक, इनटू 9.81 और डेंसिटी कितने है वाटर की 1000। ठीक ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है इनटू 9.81, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 10.79 किलोवाट। पीएच कितना 10.79 किलोवाट। ठीक है, तो ये निकला हमारा पंप की हाइड्रोलिक पावर। ठीक है, अब पंप की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, पंप की एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोलिक पावर इनटू 100 डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर। ठीक, तो यहां पे वैल्यू पुट करो, हाइड्रोलिक पावर कितना है 10.7 किलोवाट, ठीक है, इनटू 100। ठीक, और शाफ्ट पावर कितना है, कितना कंज्यूम कर रहा है 20 किलोवाट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 53.95%। तो कि जो पंप की एफिशिएंसी है कितना आएगा 53.95%। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पंप की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।